हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने है किया सोनेट एसटीके प्लस वेरिएंट, पेट्रोल इंजन के साथ है, लेकिन आप इसमें इसका डीजल वेरिएंट भी ले सकते हो। बात करें प्राइसिंग की, 9,19,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस है, वहीं तकरीबन 11,00,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है भिवाड़ी राजस्थान के अंदर। इससे पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आज इस वीडियो में हम करेंगे कंपेरिजन सीधा ही हुंडई वेन्यू से। हुंडई वेन्यू से फार बेटर आपको किया सोनेट मिल जाती है। हुंडई वेन्यू में अगर आप जाते हो तो इसी प्राइस रेंज के अंदर हुंडई वेन्यू एस ऑप्शनल वेरिएंट आपको मिल जाता है। लगभग उसका एक्सोरूम पड़ता है 9,50,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं हुंडई वेन्यू से आपको सस्ती किया सोनेट मिल जाती है। बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको किया सोनेट के अंदर देखने को मिलते हैं। ये है इसका एसटीके प्लस पेट्रोल वेरिएंट। गाड़ी अभी जाने वाली है, कस्टमर आ रहा है, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल माला वगैरह लग चुकी है गाड़ी पर। बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, तो जो हेडलैम्प यूनिट है ये आपको मिलती है हेलोजन बेस, वहीं जो इंडिकेटर है ये भी आपको हेलोजन में मिलता है। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं जो कि आपको प्रोजेक्टर बेस मिलते हैं। जो आप ये ब्लैक फिनिश में देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है। बात करें गाड़ी के ग्रिल के बारे में, तो यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाती है जो कि काफ़ी बेहतरीन से लग रही है। वहीं इसके नीचे आपको क्रोम का यूज़ मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक काफ़ी बढ़िया है। बात करें गाड़ी की चौड़ाई की, तो इसके अंदर आपको 1790 mm की विड्थ मिलती है, लेकिन वेन्यू के अंदर आपको 1770 mm की विड्थ मिलती है। लगभग 20 mm ज़्यादा चौड़ी है हुंडई वेन्यू से किया सोनेट। नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर फिनिश के साथ। ओवरऑल गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। वहीं हुंडई वेन्यू से जो इसका फ्रंट लुक है वो काफ़ी अपडेटिव सा फील होता है। बात करें ओवरऑल गाड़ी के साइड लुक के बारे में, तो ये है गाड़ी का साइड लुक। 3995 की गाड़ी में लेंथ मिल जाती है, वहीं गाड़ी के अंदर आपको 2500 mm का व्हील बेस मिलता है। बात करें गाड़ी के टायर सेक्शन के बारे में, तो ये है ओवरऑल गाड़ी का टायर सेक्शन। यहाँ पे आपको 16 इंच के टायर मिल जाते हैं, जिसका प्रोफाइल साइज है 215/60R16। आगे डिस्क ब्रेक है, वहीं रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, लेकिन हुंडई वेन्यू के अंदर आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं, तो 1 इंच बड़ा टायर आपको किया सोनेट में मिलता है। वहीं व्हील के ऊपर व्हील आर्चेज मिल जाती है, साइड में आपको मोल्डिंग मिल जाती है। ये जो डोर वाइजर आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ एसेसरीज है। बात कर लेते हैं गाड़ी की ORVM के बारे में, तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVM मिल जाता है, पंप वाला हॉर्न मिलता है, और जो ये ORVM है ये आपको ऑटो फोल्डेबल एडजस्टेबल दोनों मिलता है, ठीक है। इंडिकेटर आपको इसके ऊपर प्लेस मिल जाता है। बात करें गाड़ी के डोर हैंडल के बारे में, तो यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है, वहीं जो रेन वाइजर आप देख रहे हैं ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज है। रूफ़ के ऊपर रूफ रेल मिल जाती है, और कुछ ऐसा लुक निकल के आता है गाड़ी के साइड का, ठीक है। बात करें गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, 180 mm का गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और बात करें गाड़ी के रियर लुक के बारे में, तो ये है गाड़ी का अमेजिंग सा रियर लुक। पहले मैं गाड़ी को थोड़ा सा आगे करता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा आपको रियर लुक। ये है ओवरऑल गाड़ी का रियर लुक। जितनी गाड़ी फ्रंट से बढ़िया लगती है उतनी ही गाड़ी का रियर लुक भी अमेजिंग सा लगता है। वहीं बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, तो रूफ के ऊपर सार्किन एंटीना मिल जाता है, छोटा सा स्पॉइलर है, इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे दिया गया है। वहीं रियर में आपको रियर डिफोगर मिल जाता है, किया की ब्रांडिंग मिल जाती है, वहीं यहाँ पे आपको किया सोनेट का लोगो मिल जाता है, ठीक है। बात करें गाड़ी के टेल लैम्प यूनिट के बारे में, तो LED बेस गाड़ी के अंदर आपको टेल लैम्प यूनिट मिलती है। मैं आपको ऑन करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑन करने के बाद ही पता चलेगा। अब देखते हैं, तो ये देखिए भाई, फुल्ली LED टेल लैम्प यूनिट यहाँ पर मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगती है। वहीं दो टेल लैम्प यूनिट को मर्ज करती हुई यहाँ पर आपको एक लाइन मिलती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगती है। जो ये लाइन है ये ऑन नहीं होती, बट ये काम करती है रिफ्लेक्टर का, जो कि काफ़ी बेहतरीन सा फील होता है। वहीं रियर में आपको रियर कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है, पीछे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। वहीं रियर जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलती है, वहीं बम्पर आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। ओवरऑल गाड़ी का रियर लुक काफ़ी अमेजिंग सा फील होता है। वहीं यहाँ पर आपको पूरा ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलता है, ठीक है। बात करें गाड़ी के फ्यूल टैंक के बारे में, तो 45 लीटर का गाड़ी में फ्यूल टैंक मिलता है। बात करें गाड़ी की चाबी के बारे में, तो ऐसी की मिलती है, और ये जो की है ये आपको मिलती है कुछ इस प्रकार की, ये देखिए फ्लिप की मिल जाती है। की के ऊपर आपको लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है, वहीं बूट को अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, ठीक है। अब चेक करते हैं बूट स्पेस, तो यहाँ पे मिल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, और ये है
शानदार बूट स्पेस। किया सोनेट के अंदर आपको 390 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है, वहीं अगर आप हुंडई वेन्यू की तरफ जाते हो तो उसके अंदर आपको 350 लीटर का मिलता है। तो 40 लीटर बड़ा बूट स्पेस आपको किया सोनेट ऑफर करती है। बात करें लगेज की तो 4 से 5 बैग आपके आराम से यहाँ पे आ जाएंगे, वहीं इनफ यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है, वहीं इसके ऊपर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, नीचे स्पेयर व्हील मिलता है, अगेन 16 इंच का है स्टील रिम के साथ, तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन सा मिल जाता है। वहीं बात करें सीट के बारे में तो यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट वाली सीट नहीं मिलती, बूट के ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई बूट स्पेस की। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं इंटीरियर। तो ये है किया सोनेट का इंटीरियर। बात करें इंटीरियर की तो पूरा ब्लैक फिनिश में इंटीरियर मिल जाता है, एक फ्रेश लुक आपको किया की सभी गाड़ियों में देखने को मिलती है, बहुत ही प्यारा सा लुक निकल के आ रहा है। बात करें डोर के बारे में, ओपनिंग वाइड है, कोई दिक्कत नहीं होगी एंट्री एग्जिट करने में। डोर ट्रिम के बारे में बात करें तो पूरा यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ठीक है, ऑल फोर पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन है, वहीं ओआरवीएम एडजस्ट करने का यहाँ पे बटन मिल जाता है। नीचे बोतल होल्डर है और स्पीकर की प्लेसमेंट है, और यहाँ पे मिलता है आपको ट्विटर। पूरी गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है, डेफिनेटली साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। बात करें गाड़ी के सीट के बारे में तो यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट इन सीट का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा मिलता है, वहीं सीट के ऊपर आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है। ठीक है, आगे पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, वहीं जो ये आप देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है। ठीक है, अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं गाड़ी का ओवरऑल डैशबोर्ड। सीट करते हैं पीछे तो काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाता है। लगाते हैं की और करते हैं गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट। ये देखिए भाई, ठीक है, विंडो करते हैं डाउन क्योंकि बाहर है गर्मी। ये देखिए, तो यहाँ पे पूरा ब्लैकआउट डैशबोर्ड मिलता है, पूरा यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कहीं पे भी सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं मिलने वाला। बात करें स्टीयरिंग के बारे में तो यहाँ पे राउंड शेप में स्टीयरिंग मिल जाती है, स्टीयरिंग के ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, वहीं यहाँ पे आपको वॉइस कमांड जैसे फीचर मिल जाते हैं और इस बटन से आप MID के अंदर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता। स्ट्रोक्स मिल जाते हैं, वाइपर के स्ट्रोक्स हैं एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट के स्ट्रोक्स मिलते हैं। हेडलाइट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिलती है, वहीं वाइपर यहाँ पे आपको मैनुअली मिलते हैं। बात करें गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो ये देखिए, यहाँ पे आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। स्पीडोमीटर, RPM मीटर, जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, वहीं सारी वार्निंग लाइट आपको दिख रही होगी सामने। ठीक है, बात करें MID के अंदर तो MID के अंदर यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज, वहीं यहाँ पे आपको TPMS जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। किया की सभी गाड़ियों में बेस मॉडल से ही TPMS जैसे फीचर ऐड ऑन हो जाते हैं जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। वहीं यहाँ पर आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, 2 आपको सामने मिल जाते हैं, वहीं 2 आपको इन सीट में मिलते हैं। तो ऐसे करके पूरी गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, वहीं वेन्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एयरबैग ही मिलते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर जो ये आप लेदर रैप देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है। बात करें ओवरऑल गाड़ी के सेंट्रल कंसोल के बारे में तो ये है ओवरऑल गाड़ी का सेंट्रल कंसोल। सामने आपको 8 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ। साउंड क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, वहीं यहाँ पर आपको मैनुअल बटन मिल जाते हैं एडजस्टमेंट के लिए। वहीं सामने आपको पूरा ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलने वाला है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ऑल द वे पूरा आपको यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलता है। एसी की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, क्या बात है, एसी की कूलिंग काफ़ी बढ़िया है। वहीं जो बीच वाले एसी वेंट है ये आपको वर्टिकल शेप में मिलते हैं, साइड वाले भी जो एसी वेंट है ये भी आपको वर्टिकल शेप में मिलते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाता है हेडलैम्प को लेवल करने का बटन। बात करें नीचे तो यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और USB पोर्ट। और बात करें गाड़ी के ट्रांसमिशन के बारे में तो ये कार आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। ठीक है, गियरबॉक्स के चारों ओर आपको सिल्वर सैटन फिनिश मिल जाती है। वहीं बात करें ग्लोव बॉक्स के बारे में तो डिसेंट साइज का मिलता है, मैनुअल IRBM है, वहीं यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाता है, को पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर मिल जाता है। ठीक है, मेरा फेवरेट प्लेस सनग्लास होल्डर, वहीं यहाँ पे आपको 2 केबिन लैंप मिल जाते हैं येलो लाइट के साथ। इसको बंद करते हैं, कहाँ से बंद होगा,
ये देखिए, ठीक है, ये कहानी हो गई इंटीरियर की। इंटीरियर वाइज गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, आपको एक फ्रेश सा लुक जो है वो किया कि सभी गाड़ियों में मिलता है। सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि आपको फिक्स ही मिलता है, वहीं इसके नीचे भी आपको स्टोरेज मिलता है, टू कप होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कहानी हो गई ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर की। डेफिनेटली इंटीरियर वाइज काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, वहीं बिल्ड क्वालिटी वाइज भी गाड़ी काफ़ी बढ़िया सी यहाँ पर मिल जाती है। अगर बात करें इन सीट की क्वालिटी की ना, तो अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन सा मिलता है इन सीट पे। जब आप इन सीट पे बैठोगे ना तो आपको काफ़ी मज़ा सा आने वाला है। चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे। तो ये है ओवरऑल गाड़ी के रियर सीट। बात करें रियर सीट के बारे में, एज़ यूजुअल पीछे भी आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेकिन यहाँ पर फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाता है, नीचे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, और इसके नीचे आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है। बात करें डोर ओपनिंग के बारे में, तो वाइड ओपन होता है, ठीक है, एंटी एग्जिट करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। पूरा यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, कहीं पे भी सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे पावर विंडो का बटन मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट है। सीट के बारे में बात करूँ, अंडर थाई सपोर्ट सीट का काफ़ी बेहतरीन है, मैं आपको बैठ के ही दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, मैं आ चुका हूँ पीछे वाली सीट पर। आगे वाली जो सीट है ना, ये पूरी पीछे की ओर है, उसके बाद ही मुझे अंडर थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। वहीं बात करें लेग रूम की ना, तो इनफ स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। बात करें हेड रूम की, तो गाड़ी की हाइट काफ़ी बेहतरीन है, तो हेड रूम की कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली। पीछे आपको छोटा सा क्वार्टर ग्लास पैनल मिलता है, इसलिए जो बंदा यहाँ पर बैठा है उसको एरी फील होगा। वहीं पीछे से कुछ ऐसा लुक निकल के आता है गाड़ी के डैशबोर्ड का, ठीक है, बढ़िया सी क्वालिटी की है गाड़ी यार। तो ये हो गई बात ओवरऑल गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर की। काफ़ी बढ़िया, ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए ओनर प्राइस में काफ़ी बढ़िया गाड़ी यहाँ पे आपको मिल जाती है, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग मिलते हैं भाई, जो कि आपको हुंडई वेन्यू के अंदर नहीं मिलते। फाइनली बात करें गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो किया सोनेट के अंदर आपको 1197 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 82 BHP निकालता है। वहीं 114 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करें माइलेज की, तो कंपनी 14 की माइलेज क्लेम करती है इसके इंजन के साथ। तो ये हो गया ओवरऑल रिव्यू किया सोनेट के ST K+ वेरिएंट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बात करें इसके राइवल्स की, तो हुंडई वेन्यू मारुति ब्रेजा को सीधा ही कॉम्पीट करती है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो ये था रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।